हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। में बात करने वाले निफ्टी 50 के बारे में कि आज का दिन कैसा था। तो भैया आज का दिन था बहुत ही बेकार, बहुत ही ज़्यादा साइडवेज। आज बहुत सारे लोगों ने किए होंगे लॉसेस अगर वो पूरे दिन किए होंगे काम। रही बात हमारी, तो आज हमने बस एक ट्रेड प्लान किया था जिसमें हमारा एसएल गया। उसके अलावा पूरे दिन बस वेट हुआ है कि कब मार्केट या तो ब्रेकआउट करे या तो ब्रेकडाउन करे, बट मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। एज यूजुअल जैसा फ्राइडे होता है, साइडवेज साइडवेज ही रह गया। मेरी उम्मीद थी मार्केट फॉल करेगा, मार्केट ने फॉल मॉर्निंग में दिखाया, लेकिन वहाँ से नीचे नहीं जा पाया। कल का मार्केट भी साइडवेज था। उससे पहले वाला मार्केट में हमको दो अच्छे ट्रेड देखने को मिले थे, उससे पहले वाले मार्केट में हमको एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला था निफ्टी के अंदर। तो मिक्स मार्केट चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। मार्केट वेट कर रहा है, मार्केट बहुत ही जल्द 25,000 को टच कर सकता है क्योंकि हम बहुत पास में हैं, 24,800। तो 25,000 हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। बात करें टेलीग्राम की, तो आ जाते हैं टेलीग्राम के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको डाउन साइड के लिए बोला था, अगर पुट साइड के लिए देखना है तो बैंक निफ्टी में 50,800 के नीचे देखो और निफ्टी में 24,780 के नीचे देखो, जिधर हमें क्लोजिंग ही देखने को नहीं मिली। मैंने आपको बार बार बताया कि मार्केट साइडवेज है, तो आप काम कम करो तो आपका बढ़िया रहेगा। कल हमने जो काम कराया था ठीक ठाक काम था। क्या काम था एक बार देख लेते हैं, कितने ट्रेड बने थे कल के दिन हमारे। एक ट्रेड बना था 50 पॉइंट का, ये एक एसएल गया था हमारा कितने पॉइंट का, 10 पॉइंट का, और इसमें मिले थे हमको 14 पॉइंट। उससे पहले वाला दिन एक्चुअली हमारा काफ़ी बढ़िया गया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 184 से 300 100+ पॉइंट की ट्रेड, एक हमारा 10-12 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस। उसके बाद अगेन हमें मिला था एक 30 पॉइंट का निफ्टी में ट्रेड, अगेन मिला हमें 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में ट्रेड। तो इस दिन काफ़ी ट्रेड मिल गए थे और यहाँ पर भी हमें 150 पॉइंट का ट्रेड मिला था, जो आपको हम सब दिखा देते हैं। ओके, ये तो हो गई कि भैया जो भी रहता है जैसा भी रहता है, आप लोग को सब क्लियर कट मैं यहाँ पे टेलीग्राम पर बताता हूँ, दिखाता हूँ, चार्ट के थ्रू समझाता हूँ कि क्या हो सकता है मार्केट में, कब मूव आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मूव आने वाला था, यहाँ पे मूव आने वाला था, ये देखो कितना बढ़िया मूव आया, कितना बढ़िया मूव आया, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो टेलीग्राम पर जाओ, ज्वाइन हो जाओ, आपका फ़ायदा है काफ़ी। और मेरे से अगर सीखना है, समझना है, मेरे साथ काम करना है, तो उसकी भी आपको अपॉर्चुनिटी उधर देखने को मिल जाएगी। अब बात करें निफ्टी की, तो देखो मॉर्निंग प्लान मेरा पुट साइड में था क्योंकि मुझे आज के दिन लेवल्स चाहिए थे एटलीस्ट एटलीस्ट 24,720 से लेकर 24,700 के। ठीक है, अब मार्केट क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी कैंडल फॉर्म करता है, ठीक है, जो हमें देखने को मिली फर्स्ट 5 मिनट की ये वाली कैंडल। ठीक है, यहाँ पे मैं समझ गया था कि मार्केट ट्रैप तो करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल का अगर आप साइज़ देखोगे तो ये है 24,860, और अगर नीचे की बात करें तो ये है 24,800 या 800 के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो 60 पॉइंट का इसने कैंडल बनाया, और अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा मार्केट इसके बीच में ही घुमा है, एटलीस्ट हाफ में घुमा है, मतलब 30 पॉइंट में हमारा मार्केट घुमा है 80%, बाकी का 10-15-20% यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया है। तो हमने जो ट्रेड प्लान किया, ये हमारा लो निकला, देखो मार्केट फर्स्ट 5 कैंडल बनाया, देन मार्केट ने वापस ऊपर गया, मार्केट वापस नीचे आया, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बना था इस जगह पे। अब प्रॉब्लम क्या हुई वो मैं समझाता हूँ कि क्यों हमारा एसएल चला गया। एक सेकेंड दो, कायदे से हमारा ट्रेड ना आज के दिन एक्टिव ही नहीं होना चाहिए था। अगर आप देखोगे तो ये जो बड़ा रेड कैंडल है, इसके लो के नीचे मैंने ट्रेड प्लान कराया फॉर दी लेवल्स 24,730। ये लेवल क्या है, 24,770, तो बढ़िया अच्छा ट्रेड बनता। अगर आप सेकंड कैंडल नोटिस करोगे जो ग्रीन कैंडल है, उसने लो नहीं तोड़ा, लेकिन प्रीमियम ने लो तोड़ दिया और वहाँ पे जो हमारा ट्रेड था वो ट्रिगर हुआ, और ट्रिगर होते ही मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, और रिवर्सल लिया तो अब एसएल देना है तो एसएल दिया। देन हमने डिसाइड किया वी विल वेट। वेट किसके लिए करेंगे कि मार्केट आइदर अब डे हाई निकाले या तो हमारा मार्केट डे लो निकाले, अब काम तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मार्केट ने ना डे हाई निकाला ना डे लो निकाला, और 24,820 से लेकर 24,850 के बीच में पूरा दिन घूमता रहा, जिस चक्कर में हमने आज कोई काम नहीं किया, बस वेट किया। और वेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है जब आपको ट्रेड नहीं मिलते मार्केट के अंदर, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो लोग लॉसेस करते हैं बड़े, वो साइडवेज मार्केट में ही करते हैं। अगर आप उनमें से एक हो
तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके आज लॉसेस हुए या नहीं हुए। यहाँ पर अगर आप इन कैंडल को नोटिस करोगे, ज़रूर यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया। एक ट्रैप ये था, एक ट्रैप ये था। इसको मैं ट्रैप नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर डे हाई को नहीं निकाला गया है, तो ये मेरे लिए ट्रैप नहीं है। तो आज के दिन मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग दो ट्रैप मुझे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी ने स्कैल्प कर लिया होगा तो अलग बात है, लेकिन कोई होल्ड करके बैठा होगा तो भैया कुछ भी नहीं मिला होगा क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी थी। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करना, आज जो प्रीमियम थे वो थोड़ा एज यूजल सस्ते मिल रहे थे, आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि कल ही निफ्टी का एक्सपायरी हुआ है और आज प्रीमियम ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, तो ये चीज़ मैंने नोटिस की। तो आप भी एक बार ज़रूर इस चीज़ को नोटिस करना। सेम चीज़ कल हुई थी, कल भी मार्केट हमारा साइडवेज था। यहाँ पर देखो, अगर हम बड़ा ट्रेंड लाइन लेके जाते हैं तो ये हमें कायदे से बता रहा है कि हम इस सपोर्ट लाइन के साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर मंडे। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर हम ना 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है हमको। 60 मिनट पे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, हम अपने रेजिस्टेंस एरिया पर हैं जिधर हमको एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। ये देख रहे हो, ये पूरा, इसको हटाता हूँ, ये पूरा एक गैप क्रिएशन है। तो अगर हम इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, यहाँ पे देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हमारा एक बुलिश कैंडल इसके ऊपर बनती है, यानी कि 24,860-70 के ऊपर, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा रहने वाला है ये वाला लेवल, 25,000 का लेवल, ठीक है, अगर हम सस्टेन कर जाते हैं। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हो ना, तो इसके ऊपर अगर आप सस्टेन करोगे तो आपको एक बढ़िया सा ट्रेड देखने को मिल जाएगा कॉल साइड के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप देखोगे तो लास्ट के 1 आवर की जो कैंडल है, इसका लो क्या है? इसका लो है 24,800। अगर हम इसके नीचे क्लोजिंग करते हैं तो हमारा पहला टारगेट जो आने वाला है वो 24,720, जो मैंने आपको बताया कि आज मैं जिसके लिए प्लानिंग कर रहा था, जो जो लेवल्स के लिए प्लानिंग कर रहा था, वो लेवल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ देख के रखो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे बढ़िया दिख रहा है हमें, दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी बराबर समझ में आ रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करो। और ये एरिया आप थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करो जो है 24,800 से 860 का एरिया, जिसमें लास्ट के 2 दिन हमारे गए। आई होप समझ गए होगे आप लोग कि हमारे नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं कॉल और पुट साइड में। देखो, मार्केट जिधर भी जाए ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि आप जब ट्रेड ले रहे हो तब आपकी साइड मार्केट जाए, ठीक है। मोमेंटम मिलेगा तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा, साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है, ये बात समझ के बैठो। अगर नहीं मिल रहा है ना मोमेंटम, एग्जिट कर लो, दोबारा ट्रेड ले लो, होल्ड करके मत बैठो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में जो पूछना है मेरे से पूछो, बाकी की बातें हम करेंगे बैंक निफ्टी की वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।